Hello students, greeting to all. Today we are going to study part. So look at screen. What is given here? Look at the picture and complete the descriptive passage with appropriate preposition. अब देखिए कुछ appropriate जो preposition है वो हमने इसमें fill करनी है. So we are going to start this. Thanks God, today is Sunday. Many people are relaxing days. पार्क. अब देखिए ये पिक्चर है, इस पिक्चर में देखना हमने क्या कर रहे हैं, तो हम करेंगे रिलैक्सिंग इन अ पार्क. यहाँ पे प्रेपोजिशन फिल कर देंगे इन. तो देयर आर पॉन्ड ड्रेस ऑलस ग्रीन ट्री. तो वहाँ पे पास में ही जो है कि पॉन्ड भी है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे यहाँ पे देयर इज अ पॉन्ड. तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे रे? देखिए अब यहाँ पे पॉन्ड है, तो जो पॉन्ड की बात हो रही है वो पॉन्ड इसमें क्या कह रहा है कि पास में है, तो पास के लिए हम क्या करेंगे इसमें बिसाइड. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बिसाइड बिसाइड अ लॉट्स ग्रीन ट्री और लॉट्स इज ब्लूमिंग डैश पॉन्ड. लॉटस इज ब्लूमिंग डैश पॉन्ड. तो हम क्या करेंगे इन पॉन्ड. तो यहाँ पे हम कर देंगे इन पॉन्ड. ठीक है कि जो पॉन्ड में जो लोट्स हैं, कमल है जो खिल रही है. ठीक है अब आगे देखिए बच्चों, आगे हम क्या करेंगे. टू ऑल्ड मैन आर सिटिंग डैश अ पेडस्टल. तो पेडस्टल होता है, क्या करेंगे हम, तो एट द पेडस्टल. तो यहाँ पे एट कर देंगे यूज एट अ पेडस्टल. दे आर इन ग्रॉस्ड डैश सीरियस टॉक. वो बातों में व्यस्त हैं, तो करेंगे इन. तो यहाँ पे हम कर देंगे दे आर इन ग्रॉस्ड इन सीरियस टॉक. तो यहाँ पे इन का यूज करेंगे इन. ठीक है अ वोमैन इज सिटिंग डैश अ बेंच. अ वोमैन इज सिटिंग ऑन अ बेंच. तो यहाँ पे करेंगे ऑन अ बेंच. ठीक है अब आगे है सी इज नीटिंग अ स्कार्फ. सी इज नीटिंग अ स्कार्फ. तो इसके लिए क्या करेंगे नीटिंग अ स्कार्फ डैश अ बेंच. नीटिंग अ स्कार्फ डैश अ पेयर ऑफ नीडल. तो इसमें करेंगे विद. तो यहाँ पे करेंगे विद अ पेयर ऑफ नीडल्स. तो आगे हम करेंगे यहाँ पे टू बॉयज आर प्लेइंग डैश बॉल. तो यहाँ पे फिर हम विद यूज कर देंगे विद अ बॉल. रेशमा इज गैलपिंग डैस हर ब्रदर. अब देखिए ये रेशमा जो दौड़ रही है किसके साथ, विद. तो विद करेंगे विद हर ब्रदर. ये बच्चे देखो ये दौड़ रही है पिक्चर में. तो हम करेंगे द टू चिल्ड्रन आर सिटिंग डैस इन स्विंग. अब दो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए किसमें, झूले पर बैठे हुए हैं. तो टू चिल्ड्रन आर सिटिंग इन स्विंग. ठीक इन स्विंग या ऑन स्विंग, ऑन भी कर सकते हो ऑन स्विंग या इन स्विंग. तो अ बॉयज इज पेशेंटली वेटिंग. अ बॉय इज पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज टर्न. तो यहाँ पे करेंगे फॉर हिज टर्न. क्लियर. अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या है बच्चों, रीराइट दिस सेंटेंसेस. तो इसको हमने कुछ रीराइट करना है और इंसर्टिंग द प्रेपोजिशन इन द करेक्ट प्लेस. वन हैज बीन डन फॉर यू. इसमें करेक्ट प्लेस पर स्पेलिंग करनी है, इसमें प्रेपोजिशन हमने फील करनी है. जैसे द डॉग रन द किचन, तो हम इसमें कहें द डॉग रन आफ्टर द किचन. तो ऐसे ही इसमें है एज इट स्टार्टेड रनिंग इट रन द हाउस. आई रन द हाउस, तो इसमें क्या प्रेपोजिशन कहाँ पर आएगी, एज इट स्टार्टेड रनिंग आई रन इन टू द हाउस. तो अब यहाँ पर हम करेंगे रन के बाद लगाएंगे इन टू द हाउस. तो इंटू नहीं है इसमें, इंटू द हाउस कर देंगे. ठीक है द ट्रेन वॉज रनिंग 10 hours एट होल. अब इसमें क्या आएगा, द ट्रेन वॉज रनिंग 10 hours. इसमें करेंगे बिहाइंड सेट होल. तो 10 hours के बाद करेंगे बिहाइंड, या आर के बाद लगा देंगे बिहाइंड सेट होल. बिहाइंड सेटल. आगे द पैसेंजर आर डेंजर. द पैसेंजर आर डेंजर, इसमें क्या मिस्टेक है, द पैसेंजर आर इन डेंजर.
तो यहाँ पे आर के बाद लगा देंगे इन डेंजर। नेक्स्ट करेंगे पोर द टी द कप, द पोर द टी इन टू द कप। अब यहाँ पे पोर के बाद आएगा इन टू, इन टू द कप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वी वेटेड 2 hours, तो यहाँ पे सिक्स हम कर रहे हैं बच्चों, तो वी वेटेड 2 hours, तो इसमें क्या आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा गैस करके देखो आप एक बार, फिर मैं बताऊँगा। तो वी वेटेड फॉर, तो हम क्या करेंगे, वी वेटेड, वेटेड के बाद करेंगे फॉर 2 hours, ठीक है। आगे है आई विल मीट यू लंदन, तो हम क्या करेंगे, आई विल मीट यू इन लंदन, आई विल मीट यू इन लंदन, आई विल मीट यू इन लंदन। एट थे द वर्कर वर ब्रिज द रबल, द वर्कर वर ब्रिड द रबल, हम एट में द वर्कर वर ब्रिज अंडर द रबल, ब्रिज इसमें करेंगे अंडर, अंडर द रबल। आगे फिर है आई हैव स्टडीड द प्लान ग्रेट केयर, आई हैव स्टडीड द प्लान ग्रेट केयर, तो इसमें क्या करेंगे विद ग्रेट केयर, तो इसमें हम करेंगे विद ग्रेट केयर, विद प्लान विद ग्रेट केयर, तो हम कर देंगे विद ग्रेट केयर। अब टेंथ करेंगे द कारपेंटर हैज बीन वॉकिंग दिस मॉर्निंग, अब यहाँ पे करेंगे द वर्कर द कारपेंटर हैज been walking since morning, यहाँ पे हम since का यूज करेंगे, since morning, ठीक है। अब 11th में हम क्या करेंगे, we receive the news dash pm, अब टाइम आ गया तो ऐड कर देंगे यहाँ पे एट 9 pm, 9 pm। 12th है लास्ट आएगा बच्चों, a swimmer without breathing apparatus must keep height his height the surface of water, तो हम करेंगे अबो द सरफेस, या हेड के बाद लगाएंगे अबो, अबो द सरफेस, अबो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, अबो द सरफेस ऑफ वाटर, ओके। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ एक्सरसाइजेस, तो ये आपने कंप्लीट करनी है और उसको बड़े ध्यान से समझना है, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उसकी वीडियो मैं आपके पास फिर नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। थैंक यू।